फ्रेंड्स, आई एम वैशाली इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे पास्ट सेंटेंस। उसमें हम सीखेंगे पास्ट के सेंटेंस। पास्ट के सेंटेंस में हमें डिड का यूज करना है। लास्ट वीडियो में इज, एम आर, डू, डज और हैज जब का यूज सीख लिया है, और जो आज के जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे डिड का यूज, हाउ टू यूज ऑफ डिड एंड कहाँ करना है, कैसे करना है। ओके, तो डिड का यूज हम पास्ट के सेंटेंस में करते हैं। फिर पास्ट के सेंटेंस में तो हमने हैज का भी करा था, बट वो जो हमारा पास्ट नहीं था वो पास्ट प्लस प्रेजेंट था, प्रेजेंट भी था और वो काम हमने कर लिया था, काम को कर चुके थे, बट हमारा जो दिन था वो चल रहा था, मतलब प्रेजेंट भी था। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, अभी से थोड़ी देर पहले खाया है, बट अभी तो मेरा दिन तो वही है ना, तो वो होता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी, हमारा बिल्कुल पास्ट बताना है हमें, लास्ट नाइट से लेकर जो पिछली रात है हमारी, लास्ट नाइट से लेकर हमें काफी अपना पास्ट बताना होता है। इसमें हमें टाइमिंग जरूर देनी होती है। टाइमिंग जैसे कि संडे, मंडे, मीन्स मैंने पिछले संडे मैंने एक पार्टी अटेंड की, या फिर बोल दे मैंने पिछली रात तो एक टीवी मूवी देखी, मैंने 6 दिन पहले एक मैरिज पार्टी अटेंड की, या फिर पिछले हफ्ते मैंने एक क्लास अटेंड की। इस तरह से जो लास्ट वीक है, लास्ट डेज, बिफोर 6 डेज, परसों, कल, ये जितने भी हमारे टाइमिंग होते हैं ये सब देना हमें जरूरी होता है पास्ट के सेंटेंस में। पास्ट के सेंटेंस की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि यहाँ पर हमें टाइमिंग जरूर मिलती है। टाइमिंग मिलती है तो यही हम समझ जाते कि जो सेंटेंस है हमारे पास्ट के सेंटेंस है। पास्ट के सेंटेंस में हमें डिड का यूज करना है, बट जो पॉजिटिव आंसर होते हैं, जो पॉजिटिव आंसर होते हैं ना, उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, मींस एक्शन की सेकंड फॉर्म। हैज में हमने एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करा है, और यहाँ हमें करनी है एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज। एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ करना है, सिर्फ ओनली ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में। जब हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है तभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पॉजिटिव आंसर चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, या सेकंड पर्सन का हो, या अदर किसी भी थर्ड पर्सन का हो, हमें आंसर पॉजिटिव मिल रहा है तो हम उसमें ओनली ओनली सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, और अगर हमें किसी से कंफर्म करना है तो हम डिड से करेंगे। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच इट टिल लास्ट। आइएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है कंफर्म करने के लिए डिड से क्वेश्चन करने, ठीक है। अगर हमें वही क्वेश्चन किसी से कंफर्म करना है तो हम वो क्वेश्चन डिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कंफर्म करने के लिए हमें डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करने पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर हमने सेंटेंस में डिड का यूज करा है तो वहां हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, सो वी कैन नॉट डू डबल सेकेंड फॉर्म। ओके, इसलिए हम दो सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। डिड का यूज करेंगे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए, डिड का यूज करेंगे हम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है हमें। एग्जाम्पल देखते हैं, आई अटेंडेड अ पार्टी ऑन मंडे। यहाँ देखिए, ऑन मंडे हमने टाइमिंग दे दी, ठीक है। आई अटेंडेड अ पार्टी ऑन मंडे, मैंने सोमवार के दिन एक पार्टी अटेंड की, यानी सोमवार में मैंने पार्टी अटेंड की, मंडे में हम क्या बोलेंगे, आई अटेंडेड अ पार्टी ऑन मंडे। पॉजिटिव आंसर है, मतलब की अटेंड की मतलब थी, तो वहां हमने सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया अटेंडेड। अटेंड फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म अटेंडेड। आई अटेंडेड अ पार्टी ऑन मंडे। यहाँ हमें याद रखना है, अगर हमें डेज बोलने हैं तो डेट से पहले हम ऑन लगाएंगे, यहाँ देखिएगा, एंड मंथ से पहले हम इन लगाएंगे। डेट से पहले हमें ऑन लगाना है, मंथ से पहले हमें इन लगाना है। अभी अगर हमें यही बात कहनी होती कि मैंने एक पार्टी अप्रैल में अटेंड की, जैसे कहते हैं हम, आई अटेंडेड अ पार्टी इन अप्रैल, आई अटेंडेड अ पार्टी इन अप्रैल, हमें मंथ से पहले इनका यूज करना है, डेट से पहले ऑन का यूज करना है। ओके, देखिए, पॉजिटिव आंसर था आई अटेंडेड अ पार्टी ऑन मंडे, मैंने मंडे में एक पार्टी अटेंड की,
पढ़ रहे हैं, क्या तुमने मंडे में पार्ट अटेंड की? हमें क्वेश्चन करना है डिड से, डिड यू अटेंड अ पार्टी ऑन मंडे? जहाँ भी हमारा टाइमिंग आ जाए, टाइमिंग जहाँ हमें देना होता है, जहाँ हमें अपना पास्ट बताना होता है, वहाँ हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और अगर कंफर्म क्वेश्चन करना है तो हम डिड से करेंगे। डिड यू अटेंड द पार्टी ऑन मंडे? क्या तुमने मंडे में पार्टी अटेंड की? ठीक है, देखिए डिड का यूज कराए तो हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कराई है, माई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिएगा, डिड यू अटेंड द पार्टी ऑन मंडे? नेगेटिव आंसर आया हमारे पास, No, I didn't attend a party. No, I did not attend a party. नहीं, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की। तो not लगाने के लिए हमें did not पूरा ऐड करना पड़ेगा। No, I did not attend a party. नहीं, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की। But लगा के आप यहीं पर ही पॉजिटिव आंसर देना होगा। हमने काफी सारे क्वेश्चन कर रहे थे, सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर रहे थे, नेगेटिव आंसर आ रहा था, फिर हम थर्ड पर्सन से क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करके हमें थर्ड पर्सन से क्वेश्चन नहीं करना है। तो सेकंड पर्सन लोग वही नेगेटिव आंसर देके बट लगाकर पॉजिटिव आंसर देना है। ठीक है, बट माय ब्रदर अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट। आई डिड नॉट अटेंड अ पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की, बट किंतु माय ब्रदर अटेंडेड अ पार्टी, लेकिन मेरे भाई ने पार्टी अटेंड की लास्ट नाइट। यहाँ हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, ऑन मंडे बोला था, अब यहाँ ऑन मंडे जरूरी तो नहीं है भाई सामने वाला पर्सन भी मंडे में ही करे, जो जिस टाइम आपने करे उसी टाइम वो करे, उसके टाइमिंग चेंज हो सकती है, तो यहाँ हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। बट माय ब्रदर अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, देखिए यहाँ पॉजिटिव आंसर था इसलिए हमने यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करा है। बोला था पॉजिटिव सेंटेंस में हमें बल्कि सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ये हमारा पॉजिटिव आंसर है और ये हमारा पॉजिटिव आंसर है, और दोनों में ही हमने सेकंड फॉर्म का यूज करा है। डिड जहाँ पर आ जाएगा वहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए माय ब्रदर अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, अब आप इसमें थोड़ा और चेंज करना है, आप पॉजिटिव आंसर दे दीजिए, यस आई अटेंडेड। अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव आंसर देना था, तो यस आई अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, या बोल लो बोल लीजिए ऑन मंडे। वो तो आपने जिस टाइम भी आपने जो भी आपको टाइमिंग देंगे वो टाइमिंग ऐड करेंगे आप। तो पॉजिटिव आंसर देना था, आप इस तरह से बोल देंगे यस आई अटेंडेड अ पार्टी ऑन मंडे, या ऑन संडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। ओके, यहाँ देखिए टाइमिंग दे ऑन 4th of June, अब हमें डेट बतानी है किसी के लिए कि भाई 4 June को मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन 4th of June, 4th of June। इसी तरह से फर्स्ट 1 June है ना, तो हम बोलेंगे 1st of June। देखिए डेट कैसे बुलाएंगे, बोलेंगे 1st of June, एंड 2 बोलना है तो 2nd of June, 3 को तो 3rd of June, 4 है तो 4th of June, 5 है तो 5th of June, इस तरह 9 है तो 9th of June। यहाँ पर हमें देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से बोला, जो डेट है हम उसको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो हमने बोला आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे ऑन 4th of June। अब हमें यही वाली जो कंफर्म में भी सेकंड पर्सन से करना है, तो कैसे करेंगे, डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन 4th of June? क्या तुमने अपना बर्थडे 4 June को सेलिब्रेट किया? ठीक है, अगर करा होगा तो पॉजिटिव आंसर देगा, और नहीं कराए तो डिड नॉट करके वो आंसर दे देगा। अब देखिए इसी के तरह हम कुछ एक्शन देखते हैं। फर्स्ट एक्शन है हमारे फोल्ड क्लॉथ्स। फोल्ड क्लॉथ्स कपड़ों की तह बनाना, कपड़ों को फोल्ड करना ना, तह बनाना, उसको हम बोलेंगे फोल्ड क्लॉथ्स। एंड सेकंड है फिनिश द प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश कर देना। एंड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। कैच अ कोल्ड, जुखाम हो जाना। फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाना। टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को टीच करना, पढ़ाना। स्किप द रोप, इट्स अ रिपीट एक्शन, स्किप द रोप, रस्सी कूदना। प्रिपेयर द पुडिंग, हलवा बनाना। राइट एन एसे, निबंध लिखना। रीड मैगजीन, मैगजीन पढ़ना। देखिएगा हम इसको किसी एग्जांपल के थ्रू कैसे यूज करेंगे, फोल्ड क्लॉथ्स। अब हमने हमें कहना है मैंने कल कपड़ों की तह बनाई, हम कैसे बोलेंगे, आई फोल्डेड। सेकंड फॉर्म बोलेंगे फोल्ड की, आई फोल्डेड द क्लॉथ्स यस्टरडे, आई फोल्डेड। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करिए, आई फोल्डेड द क्लॉथ्स यस्टरडे। Did you fold the cloth yesterday? अब हमने did का use करना है, तो first form बोलेंगे Did you fold the cloths yesterday?
नेगेटिव आंसर आएगा नो आई डिड नॉट फोल्ड द क्लॉथ्स यस्टरडे बट माय सिस्टर फोल्डेड द क्लॉथ्स. अब कहना मेरी बहन ने परसों तय की, तो परसों के लिए क्या बोलेंगे हम, डे बिफोर यस्टरडे. बट माय फ्रेंड या बट माय सिस्टर फोल्डेड द क्लॉथ्स डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब हो गया परसों. डे बिफोर यस्टरडे कल से पहले वाला दिन यानी परसों. डे बिफोर यस्टरडे. ओके सेकेंड आई फिनिश द प्रोजेक्ट. आई फिनिश द प्रोजेक्ट इन मार्च. आई फिनिश द प्रोजेक्ट इन मार्च. डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट इन मार्च. पॉजिटिव आंसर देना है तो कैसे बोलिए, यस आई फिनिश द प्रोजेक्ट इन मार्च बट माई अंकल डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट इन मार्च. आप कोई भी थर्ड पर्सन ऐड कर सकते हो, एक्स वाई जेड एज यू वांट, जो भी आपको पसंद हो वाला आप उसको थर्ड पर्सन ऐड कर सकते हो. ठीक है, फोर्थ है, सॉरी थर्ड है, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना. सेकेंड फॉर्म स्पोक. आई स्पोक इंग्लिश ऑन वीकेंड. चलिए वीकेंड क्या होता है, वीकेंड हमारा सैटरडे प्लस संडे. सैटरडे प्लस संडे दोनों को मिलाकर हमारा वीकेंड बनता है. सैटरडे और संडे को मिलाकर वीकेंड बोलेंगे. ठीक है, तो देखिए आई स्टॉप इंग्लिश ऑन वीकेंड मतलब सैटरडे संडे में मैंने इंग्लिश बोली. ठीक है, तो सैटरडे संडे को हम एक साथ ना बोलिए, बोलिए वीकेंड. आई स्पॉक इंग्लिश ऑन वीकेंड. डिड यू स्पीक इंग्लिश ऑन वीकेंड. तो यस आई स्पॉक इंग्लिश ऑन वीकेंड. हाँ बट माय फ्रेंड डिड नॉट स्पीक इंग्लिश ऑन वीकेंड. इस तरह से आप ये पास्ट सेंटेंस में टाइमिंग का ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बोल देंगे. सेंटेंस बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ में. काफी सेंटेंस हम पास्ट के बोलते हैं और ज्यादातर हमारी जो स्टोरी होती है वो भी हमारी पास्ट की ही होती है. इसलिए दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आंसर देना है तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, एंड किसी से क्वेश्चन करना है डिड का यूज करना है, डिड का यूज करना है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. और आपको वहां टाइमिंग भी देंगे, टाइमिंग देंगे तभी समझेंगे आपकी हाँ भाई जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट का सेंटेंस है. इसी तरह से आप सारे सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.